नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का है, बताया गया इसमें द बॉडी ए ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट अ प्लैनेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्लैनेट के अराउंड अगर ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट का रेडियस बताया गया आर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, जी एम बाई आर इतना होना चाहिए। फिर कहा गया अनदर बॉडी बी ऑफ मास एम बाई टू कोलाइड्स विथ ए विथ अ वेलोसिटी विच इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। ए की वेलोसिटी वी थी और जो बी है उसकी वेलोसिटी वी बाई टू था। तो ये जो वी ओ हमने लिखा एक्चुअली में ये वी है, ठीक। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये ए है, वो इससे टकराता है, इसका मास है एम बाई टू, इसका मास है एम, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में वी नॉट बाई टू होगी। अगर इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी थी तो इसके पास उसका आधा वेलोसिटी होगा, ऐसा कहा गया है ना। द कोलिजन इज कंप्लीटली इन इलास्टिक देन द कंबाइंड बॉडी, है ना, मतलब ये मानकर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन दिखाएगा ना वी बाई टू, तो वी बाई टू यहाँ पर डायरेक्शन लगाया गया है, यहाँ भी डायरेक्शन लगाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है आधा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे दोनों, पैरेलल चल रहे थे, ठीक। तो अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो भी मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा कोलिजन के दौरान, है ना। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखेंगे इस पार्टिकल का था एम बाई टू और वेलोसिटी था वी नॉट बाई टू, जो ए है इसका मास है एम और वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक। फाइनली दोनों स्टिक कर जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा एम प्लस एम बाई टू और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ ले लेते हैं, ठीक। तो यहां से देखेंगे कि ये हो जाएगा थ्री फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर एम वी नॉट इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम वी एफ, एम और एम कैंसिल कर देंगे, टू को फोर से कैंसिल करेंगे तो वी फाइनल जो आया ये आया फाइव बाई सिक्स वी नॉट, है ना। तो ये जो वी एफ है वो लेस देन वी ओ हो गया, वी एफ इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमें पता है कि जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो तो सर्कुलर मोशन होता है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगा वेलोसिटी तो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, है ना, इलिप्टिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, इसके वेलोसिटी से कम हो तो भी इलिप्टिकल पाथ ही होता है ना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फोकस का, है ना। जो अगर मैंने आप अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे ग्रेविटेशन का जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया है कि वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिलेटिव में कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा तो पाथ कैसा होगा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसके हिसाब से ये वेलोसिटी को उसमें रिलेट किया गया है और बताया ये है कि जो पार्टिकल घूम रहा है उसका पाथ सर्कुलर कब होगा, इलिप्टिकल कब होगा, हाइपरबोलिक कब होगा, है ना। कहते हैं कि जब उसका वेलोसिटी पार्टिकल का वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ वो भागता है, जब उसकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ भागता है, ठीक। स्केप वेलोसिटी से कम हो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हो उसकी, जैसा कि यहाँ वाला केस है, तो भी उस केस में जो पार्टिकल है वो इलिप्टिकल पाथ को ही फॉलो करता है ना। तो इस केस में जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम आई है और इसलिए ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्टार्स मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट, तो पहला ऑप्शन जो है यही सही हो गया, ठीक। तो बाकी ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, है ना।